हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड मैट्रिक्स। माय नेम इज हर्ष दीक्षित। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ स्पार्कलिंग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड अ ईयर फुल ऑफ ब्राइट अचीवमेंट्स। मे दिस दिवाली ब्रिंग यू जॉय, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस टू योर ट्रेडिंग जर्नी। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मंथली स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो स्प्रेड्स, AKA बैकमैन, राइट। इसे हम मंथली डिप्लॉय करेंगे। ऑल्दो ये एक हाई विक्स स्ट्रैटेजी है, इसे हम हाई विक्स सिनेरियो में ट्रेड करते हैं, बट लो विक्स सिनेरियो में भी ये ठीक ठाक रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। एटलीस्ट 3% 4% आप इस ट्रेड से लेके जा सकते हैं। एज यूजुअल, बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव एडजस्टमेंट्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। एडजस्टमेंट्स दो तरह के होंगे, पहला होगा रीसेंटरिंग और दूसरा होगा कन्वर्जन, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे हुए। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो इन वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, ताकि इन एडजस्टमेंट्स को सीख के उनकी ट्रेडिंग जर्नी भी थोड़ी ईजी हो सके। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि प्राइमरली आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। तो आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन रहेगा, ताकि मैं इस तरह की स्ट्रैटेजीज आगे लेके आता रहूं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं रूल्स की। देखिए, जैसे मैंने कहा था, बैटमैन इज अ स्ट्रैटेजी दैट परफॉर्म्स ग्रेट ड्यूरिंग हाई विक्स सिनेरियो, ठीक है। एक हाई विक्स सिनेरियो, ये मान के चलिए कि 18 के ऊपर विक्स अगर होता है तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। इसमें हमें बहुत ही हाई रेंज मिलती है और क्रेडिट भी बहुत अच्छा होता है, बट लो विक्स सिनेरियो में हमारी रेंज भी छोटी होती है और हमारा क्रेडिट भी छोटा होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर आप एक बिगनर हो तो दिस लो विक सिनेरियो इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस दिस बैटमैन स्ट्रैटेजी, क्योंकि कोई भी चीज जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कम लॉट से प्रैक्टिस करते हैं। एक बार उस स्ट्रैटेजी में हमारा हाथ सेट हो जाता है, उसके बाद ही हम अपना कैपिटल बढ़ाते हैं, पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं। सो टिल द टाइम मार्केट कम्स बैक टू इट्स हाई विक्स रिजीम, तब तक आपका इस स्ट्रैटेजी में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसे डिप्लॉय कैसे करना है? तो सेल 0.2 और 0.25 डेल्टा ऑफ द मंथली एक्सपायरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यू वांट टू ट्रेड इन। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करना चाह रहे हो, चाहे आप निफ्टी में करना चाहते हो, आप इसको निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, तो आप मंथली एक्सपायरी चूज करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी का। स्ट्राइक कौन सा चूज करेंगे? जो कि हमारा 0.2 डेल्टा या 0.25 डेल्टा का होगा। इससे हायर स्ट्राइक्स मत यूज करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी लो विक सिनेरियो में हमारी रेंज वैसे भी छोटी है, तो रेंज से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हमने अपने लेग सेल कर दिए, तो करना क्या है? बाय द स्ट्राइक्स विच आर 100 पॉइंट्स इन फ्रॉम द सोल्ड स्ट्राइक। मतलब हमें, सपोज मार्केट इज एट 19,500, आपने सेल किया है 19,900, तो आपको बाय क्या करना है? 19,800। ऊपर की बात है तो ऑब्वियसली मैं कॉल की ही बात कर रहा हूं कि 19900 का कॉल सेल करना है आपको, 19800 का कॉल बाय करना है आपको। सोल्ड की क्वांटिटी आपकी 2 रहेगी, मतलब कि आप 2 लॉट सेल करेंगे, उसके बदले आप 1 लॉट बाय करेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई? सिमुलेशन में ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब बनना कैसे है ये हमने देख लिया, बात करते हैं एडजस्टमेंट की। तो नो एडजस्टमेंट्स टिल मार्केट रीचेस द इनर पीक ऑफ एनी ऑफ द साइड्स। इनर पीक का मतलब क्या होता है? बैटमैन कैसा दिखता है? बैटमैन की जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरह से दिखती है, राइट। तो जब तक मार्केट इनर पीक्स की तरफ नहीं बढ़ता, जब तक मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, हॉवर कर रहा है, तब तक हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। मार्केट जैसे ही किसी भी पीक के इनर साइड पहुंचेगा, राइट, इनर साइड पहुंचेगा, हम तब अपने एडजस्टमेंट्स को ट्रिगर करेंगे। वो एडजस्टमेंट्स क्या होंगे? व्हेनेवर मार्केट रीचेस एनी पीक, क्लोज द विनिंग लेग एंड बाय द आउटर हेज ऑफ द साइड वेयर द मार्केट इज मूविंग। आपका ये बैटमैन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मार्केट नीचे जा रहा है,
ठीक है, मान लेते हैं वो नीचे की साइड आ गया, नीचे के इनर साइड पीक का उसने टच कर दिया, तो आपके ये कॉल्स प्रॉफिटेबल होंगे, राइट? प्रॉफिटेबल एज इन सोल्ड लेग आपका प्रॉफिट दे रहा होगा, बाय लेग आपको लॉस दे रहा होगा, लेकिन हमारे सोल्ड लेग की क्वांटिटी इनटू टू है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये साइड हमारी प्रॉफिटेबल होगी या विनिंग साइड होगी, तो हम इस पूरी साइड को बुक कर लेंगे और मार्केट के आउटर साइड का एक हेज बाय कर लेंगे, ठीक है, एक आउटर साइड का पुट हम बाय कर लेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी सिमुलेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, ये कब करना है ये भी मैं बताऊंगा। दूसरे एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, इफ द मार्केट हिट्स द पीक विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस ट्रेड, क्लोज द एंटायर ट्रेड एंड अगेन क्रिएट इट। मतलब कि सपोज आपने आज पहली तारीख को इस ट्रेड को डिप्लॉय किया है और सेवेंथ से पहले आपका एडजस्टमेंट ट्रिगर हो गया, ठीक है, आपको क्या करना है, पूरे ट्रेड को क्लोज कर देना है रिगार्डलेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, और आपको दोबारा से ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, विद इन द फर्स्ट वीक ही क्यों बोला मैंने, विद इन द फर्स्ट वीक का मतलब है, देखिए एज अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर आप चाहते हैं कि मार्केट आपकी रेंज में एटलीस्ट एक हफ्ता रह ले, जिससे आपका टी प्लस जीरो लाइन आपके फेवर में आ जाए, मतलब थोड़ा सा आपके डिके आपको मिल जाएगा दोनों साइड से कॉल एंड पुट, ताकि आपका ट्रेड आपको प्रॉफिट देने लगे, ठीक है, तब तो कोई भी एडजस्टमेंट हमको प्रॉफिट देगा, राइट, और हम उस एडजस्टमेंट को लॉसलेस बना सकते हैं। एज अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हम चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे, राइट, मार्केट एक रेंज में रहे, जितनी ज्यादा दिन मार्केट उस रेंज में रहेगा हमारे प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेंसी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, हम उतना ज्यादा प्रॉफिट यील्ड करेंगे, ठीक है। बट अगर मार्केट हमारे ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद ही हमें एडजस्टमेंट कराता है, तो इन दैट सिनेरियो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी पहले हफ्ते में एडजस्टमेंट ट्रिगर होगा, मैं उस ट्रेड को बंद करके दोबारा से री इनिशिएट करूंगा, इसे हम एक तरह से रीसेंटरिंग भी कहते हैं, ठीक है। रूल्स अगर समझ में नहीं आए हैं तो इस पार्ट को दोबारा सुनिएगा, उसके बाद ही सिमुलेशन वाला पार्ट देखिएगा, ठीक है। वैसे तो सिमुलेशन में सब क्लियर हो जाने वाला है, बट स्टिल किसी भी चीज को रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने सिमुलेटर के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको अक्टूबर मंथ सिमुलेट करके दिखा देता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ऐसा मंथ आपको नज़र आए जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वो कमेंट डाउन कर देना, या मेरे को आप मेल भी कर सकते हो, मैं अपना मेलिंग एड्रेस भी आपको डिटेल पे नीचे शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चूज़ करने वाला हूँ निफ्टी, आप बैंक निफ्टी में भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे अक्टूबर करने वाले हैं सिमुलेट, तो हम कहाँ जाएंगे, सेप्टेम्बर की एक्सपायरी के अगले दिन फ्राइडे को 10 बजे हम इस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। एक्सपायरी होगी हमारी अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी। हम क्या सेल करने वाले हैं, हम पुट साइड से 0.2 डेल्टा पकड़ के सेल करेंगे, ठीक है। 0.2 डेल्टा हमारा कितने का चल रहा है, 94 रुपीज़ का, हम इसको सेल करेंगे डबल क्वांटिटी में, और हम इसके अगेंस्ट हेज बाय करेंगे सिंगल क्वांटिटी में, हम 100 पॉइंट्स अंदर आके इसका हेज बाय करेंगे सिंगल क्वांटिटी में, ठीक है। इसी तरह से रेशियो स्प्रेड बनता है, राइट, पुट और कॉल दोनों के रेशियो स्प्रेड्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटमैन। तो अब सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कॉल के लिए। तो क्योंकि पुट हमने लिया है 94.5 रुपीस का, तो व्हाट वी विल ट्राई कि हमें कॉल पे भी 94.5 के पास का प्रीमियम मिल जाए, हम उसे सेल करेंगे, ठीक है। तो 94 के पास 92 चल रहा है, हम 92 सेल करेंगे और 100 पॉइंट्स अंदर जाके इसका हेज बाय करेंगे, ठीक। और हमने जो सेल किया है कॉल, वो हमारी क्वांटिटी होगी 2 लॉट्स की। ऐसा करते ही हमारा बैटमैन तैयार हो जाएगा। अब हमें इसमें कब तक एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं, हमें इसमें तब तक एडजस्टमेंट्स नहीं करने जब तक मार्केट इस कॉर्नर के, राइट, हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके पीक्स के कॉर्नर के पास नहीं पहुंच जाता या इसको ब्रीच नहीं कर देना, टिल देन हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। हम 2-2 घंटे से आगे चल के देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट अगर ट्रिगर हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। 4 अक्टूबर हो चुका है,
5 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 2.5% का प्रॉफिट चल रहा है 10 दिन में। देखिए इनसाइड का बेनिफिट क्या होता है, इनसाइड हेजेस का बेनिफिट क्या होता है ना, आपका टी प्लस जीरो लाइन उतना स्टीप नहीं रहता जैसे कि आयरन कॉन्डोर्स में होता है, राइट। इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2.5% का प्रॉफिट चल रहा है, थ्री परसेंट का प्रॉफिट, इट्स अ गुड प्रॉफिट। अगर आप चाहो तो 3% पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। फोर परसेंट का प्रॉफिट आप इसको बुक करके निकल सकते हो, बट हम फिर भी थोड़ा आगे जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 25 अक्टूबर के दिन 10:15 बजे मार्केट ने हमारा नीचे का जो पीक है उसे टच कर दिया, ठीक है। मार्केट ने हमारा जो नीचे का पीक है उसे टच कर दिया है, मतलब कि इस पीक के स्टार्टिंग पॉइंट को टच कर दिया है। तो हमें क्या करना है, ऑपोजिट साइड का जो विनिंग साइड है हमारा, देखिए विनिंग साइड मैंने क्यों बोला था, यहाँ पे भले ही आपने जो बाय किया है वो 125 का है और जो सेल किया है वो 92 का है, लेकिन 92 की क्वांटिटी हमारी इंटू 2 है तो हम प्रॉफिट में हैं, तो दिस इज आर विनिंग लेग। तो हम इसको क्लोज करके क्या करने वाले हैं, अपने सोल्ड लेग से 100 पॉइंट्स दूर जाके, अपने पुट के सोल्ड लेग से 100 पॉइंट्स दूर जाके एक हेज खरीद लेंगे, केवल एक हेज, दो क्वांटिटी नहीं, सिंगल क्वांटिटी का हेज खरीद लेंगे, ठीक है। अगर खरीदेंगे तो क्या होगा, उससे एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा मिनिमम प्रॉफिट 5800 रुपीस पे बुक हो जाएगा या लॉक हो जाएगा। अब मार्केट कहीं पे भी जाए हमें कोई खतरा नहीं है, कैसे भी जाए कहीं पे भी निकल जाए हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस ट्रेड में हम 5900 रुपीस बुक करके निकल गए, राइट। देखिए अक्टूबर हमने देख लिया है, हम एक काम करते हैं कि एक महीना और देख लेते हैं और जो हमारा सेकेंड वे ऑफ एडजस्टमेंट है उसे फॉलो करके देख लेते हैं, ठीक है, जो कि है रीसेंटरिंग का। कन्वर्जन हमने देख लिया, अब देख लेते हैं कि वो रीसेंटरिंग हमें कैसे करनी है। तो हम अगस्त मंथ देख रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, जुलाई की एक्सपायरी के अगले दिन फ्राइडे के दिन हम चूज करेंगे अराउंड 10 AM, ठीक है। हम चूज करेंगे, आ जाएंगे अराउंड 10 AM अगस्त की एक्सपायरी चूज करेंगे यहाँ पे, और 0.2 डेल्टा के आसपास हमें सेल करना है और 100 पॉइंट्स नीचे आके हमें उसका हेज बाय करना है। सोल्ड क्वांटिटी हमारी इंटू 2 होगी, बाय क्वांटिटी हमारी सिंगल लॉट रहेगी, ठीक है। पुट हमारा कितने का सेल हुआ है, अगेन 94 रुपीस का, तो हम कॉल साइड से भी 94 रुपीस के आसपास का ही देखेंगे। तो 94 यहां पे हमें मिल गया, हम 100 पॉइंट्स नीचे का स्ट्राइक बाय कर लेंगे, ये हमारा बैटमैन तैयार हो गया है। अब हमें एडजस्टमेंट कब तक नहीं करना है, जब तक हमारा इनर साइड ऑफ दिस पीक ब्रीच नहीं हो जाती या इंटरसेक्ट नहीं हो जाती, ठीक है। आगे चलते हैं 2 घंटे से, अराउंड 1% का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, 0.5। देखिए क्या हुआ, 3rd को ही हमारा नीचे का ब्रेक इवन ब्रीच हो गया, ठीक है, अराउंड 12:34 पे। हमने क्या कहा था कि ट्रेड इनिशिएट करने के 7 दिन के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है हम क्या करने वाले हैं, पूरे ट्रेड को बंद कर देंगे, ठीक है, पूरे ट्रेड को बंद कर देंगे और हम फिर से 0.2 डेल्टा के आसपास के लेग को सेल करेंगे और उससे 100 पॉइंट की स्ट्राइक अंदर आके बाय करेंगे। 87 का हमारा पुट है तो हमारा कॉल भी लगभग 80 के आसपास ही होगा, हमारी क्वांटिटी इंटू 2:1, ठीक। आगे चलते हैं 2 घंटे से, ठीक है, अराउंड 1% का प्रॉफिट मिल रहा है।
2% का प्रॉफिट, एटीन ऑफ अगस्त हो चुका है, अराउंड 3% का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। आप चाहो तो अगेन इस ट्रेड को यहीं पे बुक कर सकते हो। एंड ऑफ द डे हमें ऑलमोस्ट 3.8% ऑलमोस्ट 4% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे भी देखने को मिल गया, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट्स, राइट, जिसको आप बैटमैन पे परफॉर्म कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप लेके जा सकते हो। लो विक्स में भी ये रिटर्न्स दे रही है, डैट मीन्स कि हाई विक्स में आप इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस हर वीकेंड पे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि मेरे हर नए वीडियो का अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैव अ वेरी प्रॉस्पेरस एंड अ सेफ दिवाली। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक लर्निंग वीडियो के साथ।